हाय दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे पास ये ट्रैक्टर आया है 435 DI पावरटेक। ट्रैक्टर काफ़ी समय से खड़ा हुआ था तो इसकी जो हाइड्रोलिक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी इसमें मोमेंट नहीं है। स्टार्ट करके चेक करेंगे एक बार। करो स्टार्ट। तो हाइड्रोलिक में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करना है उसी पे बंद कर दे। सबसे पहले हम इसका ये आयल चेक करेंगे कि हमारी जो हाइड्रोलिक में आयल पूरा है या नहीं है, कम है ज़्यादा है, साफ करके चेक कर दो। पहले इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखेंगे। ट्रैक्टर काफ़ी समय से खड़ा हुआ था और जब ट्रैक्टर खड़ा किया था, जब हाइड्रोलिक काम कर रही थी, आज अगर ट्रैक्टर को स्टार्ट करा तो इसमें आयल तो पूरा बता रहा है। आयल तो ख़राब है पर पूरा बता रहा है, तो हाइड्रोलिक इसकी उठना चाहिए। तो इसकी जो सक्शन पाइप है इसको खोल के चेक करेंगे कि इसमें आयल आता नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसको, कभी कोई दिक्कत होती है तो किस तरीके से इसकी हाइड्रोलिक को चेक किया जाता है। खोल लो, नट ढीला कर ले पहले। तो नट को यूज करके इसको स्टार्ट करेंगे एक बार। करो स्टार्ट। तो अभी प्रेशर पाइप में थोड़ा रेस दे, रेस दे और दे। जो हमारी पंप से पाइप आती है डिस्ट्रीब्यूटर को आयल देती है, तो उसमें आयल नहीं आ रहा है। और इसमें ये जो पंप है ये भी डाला हुआ है, कभी किसी ने डाला होगा तो ये भी डाला हुआ है। तो इसको चेक करेंगे, बंद कर दो। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो प्रेशर पाइप में ऑयल नहीं आ रहा, तो इसमें ऑयल आना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोलिक को देखेंगे, फिर भी अगर काम नहीं करती है तो वो चीज़ देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चेक करना है, एक तो इसका फिल्टर है इसको चेक कर लेना है, दूसरा इसका जो होस पाइप है ये अभी आप देख सकते हैं, होस पाइप इसका चेंज करेंगे उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो ये होस पाइप निकाल लेते हैं, बाद निकाल लो इसको, खोलो इसको। तो सबसे पहले हम इसका जो होस पाइप है इस पर हमें डाउट है, तो ये सबसे पहले हम चेंज करेंगे। तो अभी अपने इसका ये होस पाइप निकाला है, इसको चेंज करेंगे और फिर अपनी हाइड्रोलिक उसको उठा के देखेंगे। वैसे ये यहाँ तो क्लियर दिख रहा है पर होस पाइप फट रहा है। तो इसका जो होस पाइप है यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से लूज हो रहा था, तो इसको चेंज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिक उठा के देखेंगे, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो जाना चाहिए होस पाइप। तो अभी इसका होस पाइप लेकर आए हैं, ओरिजिनल स्वराज का है, फिलहाल ये लगा के देखेंगे एक बार, इसको फिटिंग करके और फिर चेक करते हैं। हाइड्रोलिक के ऊपर नहीं उठने की बहुत सारी वजह होती है, सिर्फ एक ही वजह से हाइड्रोलिक में दिक्कत नहीं आती है, पंप की भी हो सकती है, हाइड्रोलिक फिल्टर की भी हो सकती है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें इसको चेक करना होता है। अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करके चेक करेंगे हमारी जो प्रेशर पाइप में आयल आता नहीं आता है। करो स्टार्ट, ध्यान में रखना। बंद कर दे। तो अभी प्रेशर पाइप में आयल नहीं आ रहा था, अभी आपने देखा होगा बिल्कुल भी इसमें आयल नहीं था, प्रेस देने पर भी आयल नहीं आ रहा था। तो अभी इसकी एयर निकली है, इसको
इसको कस के फिर इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। काफी टाइम से ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, इस वजह से वो उसका उस पाइप खराब हुआ है। अब देखेंगे इसकी हाइड्रोलिक जो है काम करती है नहीं करती है। कस लो इसको, एक बार कस लो अच्छी तरीके से। अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करके हाइड्रोलिक देखेंगे। अब ये अपनी हाइड्रोलिक जो है काम कर रही है। डाउन करो, डाउन करो, डाउन लेट इधर इधर आओ। अभी हाइड्रोलिक इसकी अच्छे से काम कर रही है। खड़े हो पीछे, कॉपलिंग लगा के पीछे खड़े हो जाओ, वजन का पता पड़ जाएगा। तो अभी ये सभी आप काम आपके सामने हुआ है। वैसे तो हाइड्रोलिक की बहुत सारी वजह होती है, पर किस तरीके से इसको चेक करना होता है। हाँ, इसके पीछे वो लगा लो, एक बार इसको वजन तोक कर देख लेते हैं। वो तो होगी, वो तो कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इस होस पाइप की वजह से हमारी जो हाइड्रोलिक है वो सही से काम नहीं कर रही थी, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। उसका अभी इसको एक बार वजन भी चेक कर लेंगे। करो स्टार्ट, सब खड़े हो जाओ। तो हाइड्रोलिक इसकी पूरी तरीके से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोलिक में। और आइडल पे दुख रही है, ऐसा नहीं है कि हमें इसकी रेस देना पड़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो कंप्लीट चल रही है हाइड्रोलिक।